सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी लाई हूँ, तो फिर देर ना करते हुए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आया है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि आपके पास मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आ सके। तो चलिए देर ना करते हुए इसे बनाना शुरू। तो दोस्तों, इसे बनाने से पहले कुछ प्रिपरेशंस कर लेते हैं। तो एक मिक्सर जार में या फिर किसी भी ब्लेंडर जार में हम ले लेंगे एक कटोरी फ्रेश मटर, और उसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डालेंगे ताकि इसे पीसने में आसानी हो, और एक बढ़िया सी स्मूथ और एकदम थिक सी पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मटर के बड़े चंक्स बिल्कुल भी ना हो, इस बात का ध्यान देंगे, एकदम बढ़िया और स्मूथ पेस्ट बन जानी चाहिए। अब उसे रखते हैं साइड में, और उसी मिक्सर जार में हम डालेंगे काफ़ी सारा हरा धनिया। मैंने डंठल समेत इसे लिया है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अदरक का टुकड़ा, लहसुन की 4 से 5 कलियाँ डालेंगे। स्पाइसीनेस के लिए हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और एक बड़े साइज का टमाटर। हरे धनिया को आप एक बार अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर इसे भी हमें बहुत अच्छे से पीस कर तैयार करना है। यहाँ पर हमारा एक जो है ना फ्लेवर बनकर तैयार हो चुका है। तो बस ये दोनों चीज़ें जब रेडी हो जाएंगी तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं। और इसमें हम डालेंगे सिर्फ 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, और सरसों के तेल को अच्छी तरह से एक बार बर्न होने देंगे, यानी कि उसमें से धुआं आ जाएगा तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे, उसका कलर लाइट हो जाएगा। तो फिर हम इसमें डालेंगे कच्चे आलू। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू ले लिए थे और उन्हें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए इन आलुओं को हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आलू को ढक्कन डेफिनेटली लगाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना, आलू हमारे अंदर तक पकेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से और काफ़ी जल्दी पक जाएंगे, और ऊपर वाली जो लेयर है वो बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आलू हमारे कुक हो चुके हैं। तो इन आलुओं को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और अब हम बनाएंगे अपनी सब्जी। तो दोस्तों, ये वाली जो सब्जी है ना, मैंने इसका नाम बहुत सुना था, लाइक मटर का निमोना ऐसे कहते हैं, और सभी को पसंद आती है। ये इतनी स्पेशल सब्जी है। आज मैं इसे थोड़ा सा चेंजेस करके बना रही हूँ, पर आप एक बार इसे ट्राई करेंगे ना तो इसके फैन हो जाएंगे। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर आलू बाहर निकाल दिए। तो कढ़ाई में हमारा थोड़ा सा तेल है, हम और एक्स्ट्रा ऑयल इसमें नहीं डालेंगे। हमने इसी में डाल दिया थोड़ा सा जीरा और हींग। हींग को यहाँ पर हम थोड़ा सा कुक होने देते हैं और जीरा का भी रंग चेंज होने देंगे। दोस्तों, मैंने इसे कम ऑयल में बनाया है, हेल्दी वे में। आप चाहें तो ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, बट ये रेसिपी कम ऑयल में बन जाती है तो बेफिजूल का क्यों हमें ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड करना हो। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक प्याज, मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, और अब हमने इसे इसमें ऐड कर लिया है। हमें प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस इतना कुक करेंगे ना कि ये हल्का हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, यानी कि आर पार दिखाई देने लगे। तो मैंने प्याज को भी 2 मिनट के लिए ढक दिया था। ऐसा करने से कम ऑयल में भी बढ़िया से कुक हो जाएंगे वो। और जब आप देखें ना कि प्याज का रंग ट्रांसपेरेंट हो गया है, यानी कि पिंक पिंक दिख रहे हैं, तो फिर वो हरे धनिए की पेस्ट और मटर की पेस्ट जो दोनों हमने सबसे पहले बनाई थी वो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही उसी मिक्सर जार में मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया ताकि जितना भी हमारा मसाला है वो वेस्ट ना हो, और वो अब हम इसमें ग्रेवी में ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर लो रखेंगे और लो फ्लेम पर आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, हमने जो मटर बनाए थे, यानी कि जो मटर की पेस्ट बनाई थी, वो कच्ची थी, तो हमें यहाँ पर इसे कुक करना है। हम यहाँ पर गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे आलू जो हमने सबसे पहले फ्राई किए थे। साथ ही एक मुट्ठी भर मैंने फ्रेश मटर ले लिए हैं। इससे क्या, जो फ्लेवर है वो भी बढ़ेगा, देखने में भी ये सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी मैंने इसमें डाल दिए कुछ बेसिक सूखे मसाले। तो 1/3 छोटा चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर का डाला है, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर का, नमक हम इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे। बहुत ही बेसिक से मसाले हैं जो अक्सर हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, बट इस रेसिपी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही यूनिक आएगा। उसकी जो मेन चीज़ है ना, वो है हरे धनिए की वो पेस्ट जो हमने सबसे पहले बनाई है। तो बस यहाँ पर सभी चीज़ें डालने के बाद आप यहाँ पर इसे मिक्स कर लीजिए,
और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, ताकि जितनी भी कच्ची चीजें हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है वो पक जाए और इसमें कच्चेपन का फ्लेवर बिल्कुल भी ना आए। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पर मैं इसे चेक कर रही हूँ, आप देखिए इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो दोस्तों ये वाली जो रेसिपी होती है ना, आप इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पराठे, कुलचा, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। यहाँ पे पानी आप अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, लाइक जैसी भी ग्रेवी आप पसंद करते हो। मैंने यहाँ पर 1 ग्लास के करीब पानी इसमें ऐड किया है, क्योंकि क्या होता है ना, ये थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली थिक हो जाती है। तो एक छोटा साइज का ग्लास था वो हमने इसमें ऐड कर लिया है, आप 1.5 कप कह सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जिस तरह की सब्जी पसंद हो आप उतना पानी इसमें ऐड कर लीजिए। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब फिर से हमें इसे ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जितना ये धीमी आंच पर पकेगी ना, इसका स्वाद उतना ही बढ़ेगा। तो बस 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया और यहाँ पर देखिए कितनी कमाल की ये सब्जी लग रही है, आप देख सकते हैं। आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए इसमें एक थोड़ा सा और फ्लेवर ऐड करते हैं, जो कि मैं हमेशा डेफिनेटली ऐड करती हूँ, वो है देसी घी। तो लास्ट में जब सर्व करें ना, तो इसमें आप डाल दीजिएगा थोड़ा सा देसी घी। आप चावल के साथ भी खाएंगे तो भी आपका दिल खुश हो जाएगा, रोटी पराठे के साथ भी ये रेसिपी बहुत परफेक्ट जाती है, फटाफट से बन जाती है। तो आप एक बार पक्का ट्राई कीजिएगा, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आएगी तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, बाय।